हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कोड 508 का है, ब्लॉक 3 लिया है। यूनिट की बात करते हैं तो 15 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम आज यूनिट 15 यानी विद्यालय में कार्य शिक्षा और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके और भी क्वेश्चन अवेलेबल है, आपने वीडियो वॉच किया ही होगा। कार्य शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की क्या भूमिका है ये हम पढ़ेंगे, और क्रियान्वयन हेतु सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। और समुदाय के सहयोग पर यहाँ पे संक्षिप्त हम टिप्पणी लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्य शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु सीखने सिखाने की प्रक्रिया, क्योंकि कार्य शिक्षा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कार्य शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु सीखने सिखाने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कार्य विद्यालय में कार्य शिक्षा एवं समुदाय, जिसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कार्य शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की क्या भूमिका होती है स्पष्ट करना है। और ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट ले लेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। ये PDF है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं कार्य शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की भूमिका। ओके, समुदाय क्या होता है? सबसे पहले अगर हम ये जान लेते हैं कि समुदाय क्या होता है, तो देखिए समुदाय जो होता है अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, और विद्यालय शिक्षा में कार्य शिक्षा के लिए सामुदायिक सहयोग लेने से पहले समुदाय की परिकल्पना पर विचार करना होगा। तो समुदाय क्या है? समुदाय एक निश्चित भूभाग पर बसने वाले लोगों का समूह है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ उपलब्ध सुविधाओं का समान रूप से उपभोग करता है और साथ ही एक दूसरे पर निर्भर करता है, रहता है। मतलब समुदाय अलग अलग, एक समुदाय की डिफिनेशन एक अर्थ क्या दे सकते हैं, तो समुदाय अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ होता है, और जिस भूभाग पर वह रहता है वहाँ के लोगों का एक समूह होता है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, डेली की जरूरतों को पूरा करने के लिए और जिस जगह जिस भूभाग पर वो रहते हैं वहाँ पर जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनका वो उपभोग करता है यानी उपयोग करता है, ठीक है। और एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये समुदाय की परिभाषा अर्थ हो गई बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। समुदाय का वर्णन बहुत से लोगों के एक समूह से लेकर पूरी दुनिया तक कुछ भी हो सकता है, और समुदाय की परिकल्पना हर उदाहरण के साथ बदलती रहती है। फिर भी हम समझ पाते हैं कि समुदाय का परिकल्पना में निम्नलिखित शर्तें हैं। अब वो कौन सी शर्तें हो सकती है समुदाय के परिकल्पना में, ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि समुदाय जो होता है, पहला ले लेते हैं समुदाय क्या है। क्लियर हो गया ना कि समुदाय, क्योंकि क्वेश्चन आप में आएगा 100%। समुदाय जो है अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ एक समूह होता है, और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर जो उपलब्ध साधन होते हैं उनका उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, रहते हैं। बहुत आसान है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो समुदाय जो है अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जैसे जीव अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर, जीव जो होते हैं अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं लेकिन एक जीव कहलाते हैं, उसी तरह से समुदाय अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बनता है लेकिन वो क्या कहलाता है, जब अलग अलग व्यक्ति मिल जाते हैं तो समुदाय कहला जाता है, कम्युनिटी कहला जाता है, ठीक है ना। जाने अनजाने सोसाइटी कहला जाता है। जाने अनजाने सब व्यक्ति एक साझे लक्ष्य से बंधे होते हैं, यानी कि सब जो व्यक्ति होते हैं उनका लक्ष्य जो होता है एक ही होता है ना, साझे लक्ष्य से बंधे होते हैं, किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी एक लक्ष्य से बंधे होते हैं, ठीक है। समुदाय के सदस्यों के बीच कोशिकाओं और जीव के बीच संबंध की तरह एक बंधन होता है और आदान प्रदान का सिलसिला होता है। देखिए समुदाय के सदस्य कोशिकाओं को एक जैसा यहाँ पे मान लिया, जिस तरह से जीव और समुदाय को एक जैसा मान लिया, यहाँ पे समुदाय को जीव और कोशिकाओं को सदस्य मान लिया, जिस तरह से एक जीव की निर्माण अनेक प्रकार के सेल्स से कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार से समुदाय का भी निर्माण जो होता है अलग अलग लोगों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और इनमें सीधी सी बात है, जब कोई एक समुदाय का निर्माण होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके बीच में आदान प्रदान भी होता है, वस्तुओं का विनिमय होता है, लेना देना, एक दूसरे के सहयोग में आना, काम में आना, ठीक है। एक निर्धारित लक्ष्य के लिए सभी व्यक्ति एकजुट होकर प्रयास करते हैं और अनुभव को बांटते हैं। ये सभी समुदाय की परिकल्पना यानी परिभाषा है, आप कह सकते हैं अर्थ है किस तरह से समुदाय बनता है, क्या होता है, अगर समुदाय क्या होता है, ठीक है ना। आप समुदाय से क्या समझते हैं आपको यही लिखना है उसमें।
महात्मा गांधी ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया था, और यदि शिक्षा के द्वारा नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, महात्मा गांधी ने कहा था। उन्होंने विद्यालय और समुदाय को बिल्कुल पास आने के लिए कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि शिक्षा के द्वारा नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों को यानी समुदाय को और विद्यालय को अलग नहीं रहना चाहिए, मिलजुल के प्रयास करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अध्यापकों और अभिभावकों के बीच सामाजिक दूरी कम होने से शिक्षण प्रक्रियाएं संबद्ध होती हैं, और समुदाय के बच्चों की जरूरतों के बारे में उतना ही चिंतित होना चाहिए जितना कि एक विद्यालय को। यानी कि जितना हम जानते हैं कि जब एक विद्यालय बनता है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो अभिभावक और अध्यापक जो होते हैं उनके बीच जो होता है एक रिलेशन बन जाता है, और उनकी दूरियाँ जो होती हैं मिट जाती है, क्योंकि वो पास में आ जाते हैं, क्योंकि हर एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। उसी तरह से समुदाय के जो होते हैं उनकी जरूरतों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है ना। जितना कि एक विद्यालय के बारे में हम सोचते हैं तो समुदाय के बच्चों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और ऐसा किसी भी स्थिति में मान नहीं होना चाहिए कि समाज बच्चे के विकास व शैक्षिक उपलब्धि के लिए विद्यालय को पूरी तरह से उत्तरदायी मानने और विद्यालय समुदाय से अपेक्षा करता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो समाज के बच्चे हैं वो उपलब्ध शैक्षिक या विकास की उपलब्धि के लिए हमारा विकास हो, हम शिक्षा में आगे बढ़ें, इनके लिए विद्यालय को पूरी तरह से उत्तरदायी मानने की मतलब विद्यालय का पूरा काम है हमारे विकास का, ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे विद्यालय समुदाय से अपेक्षा करता है, क्या करता है विद्यालय की क्या अपेक्षा है, किससे समुदाय से क्या अपेक्षा है, ठीक है ना। वो क्या सोचता है समुदाय के बारे में कि हमारे लिए वो करे। तो देखिए, बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए, क्योंकि समुदाय जो होता है बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है, बहुत सारे बच्चे वहाँ होते हैं, तो ये विद्यालय ये इतनी उम्मीद तो रखता है समुदाय से कि जो बच्चे उनके समुदाय में हैं सोसाइटी में हैं उनको वो नियमित रूप से डेली स्कूल भेजे, विद्यालय के प्रति उनकी समयबद्धता का ध्यान रखा जाए, जो समय है उसी के हिसाब से ही स्कूल भेजा जाए। तो यहाँ पे समयबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, समय पे विद्यालयी शैक्षिक प्रक्रियाओं का मॉनिटरिंग में हिस्सेदारी बढ़ाया जाए, कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के चयन में सुझाव प्रदान करें, जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या सुझाव देना है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो समुदाय दे सकता है। विद्यालय की समय सारिणी में कार्य शिक्षा हेतु आवश्यकता समय सुनिश्चित करने के संदर्भ में अपने मत प्रस्तुत करें। यदि आप चाहते हैं कि विद्यालय का जो स्कूल का शेड्यूल बना है अब उसमें आप चाहते हैं कि कार्य शिक्षा है तो कुछ आपको उसमें चेंजेस चाहिए, परिवर्तन चाहिए, या कुछ टाइम में आप बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने आप ही मत देने होंगे किसी समुदाय को। कार्य शिक्षा की प्रयोगशाला स्थापित करने में सक्रिय योगदान देना होगा। मान लीजिए आवश्यक उपकरण है, सामग्री के क्रय विक्रय में भागीदारी करना, रखरखाव की जानकारी वगैरह सभी करना, इनमें जो है समुदाय को जो है सहयोग करना चाहिए। तो ये इतनी उम्मीद रखता है विद्यालय के प्रति, क्या एक कर्तव्य क्या काम हो सकता है समुदाय का, तब भी आप ये लिख सकते हैं, या फिर विद्यालय समुदाय से क्या उम्मीद रखता है, क्या कर्तव्य रख सकता है कि समुदाय को विद्यालय के प्रति क्या काम करने चाहिए, तब भी आप यही लिखेंगे। आगे देख लेते हैं, कार्य शिक्षा के अंतर्गत भ्रमण के आयोजन में सहयोग देना भी होता है, गतिविधियों के प्रदर्शन में भी सहयोग देना होता है, विद्यार्थियों के आकलन मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी भी करना होता है। तो उपयुक्त बिंदुओं के अतिरिक्त आप बहुत से ऐसे क्षेत्रों की संभाव्यता पर विचार कर सकते हैं जहाँ समुदाय की भागीदारी को आमंत्रित कर कार्य शिक्षा के क्रियान्वयन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी कि जो स्कूल की कार्य शिक्षा होती है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमें समुदाय की स्कूल की कार्य शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें समुदाय की भागीदारी की विशेष आवश्यकता है। और यहाँ पर एक और बिंदु भी महत्वपूर्ण है, यह है कि विद्यालय समुदाय से अपेक्षाएं ही ना करे अपितु समुदाय के लिए भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाए, अर्थात परस्पर क्रिया के माध्यम से एक दूसरे के पूरक बने। अब ये नहीं कि सिर्फ विद्यालय चाहता है कि समुदाय उसके लिए सब कुछ करे जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। विद्यालय को भी समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी सेवाएं जो सर्विस है वो देनी चाहिए, जैसे कि समुदाय में जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना किसका काम होगा, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, सही टाइम पे स्कूल पहुंचाना, ये सभी चीज़ें समुदाय का काम है। लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना है ना, शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाना, ये किसका काम हो जाता है, विद्यालय का हो जाता है। और अध्यापकों और अभिभावकों के बीच सामाजिक दूरी कम होने से शिक्षण प्रक्रियाएं समृद्ध होती हैं, और विद्यालय एक अलग संस्था ना होकर समाज का एक हिस्सा बने, जिसके लिए विद्यालय को अपने द्वार समाज के लिए खोलने होंगे और समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको अपने स्कूल में लाना होगा, ये विद्यालय का भी काम होता है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्यालय भी समाज के लिए बहुत सी गतिविधियाँ आयोजित कर सकता है। हमने देखा कि जो समुदाय है वो विद्यालय के लिए क्या गतिविधियाँ आयोजित कर सकता है, क्या काम कर सकता है या क्या उसके कार्य हो सकते हैं विद्यालय के प्रति। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्यालय के क्या समाज के प्रति या समुदाय के प्रति क्या काम हो सकते हैं, क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं, क्या वो कर सकता है। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं, कार्य शिक्षा के अंतर्गत इस तरह की गतिविधियों का चयन करें जिसके माध्यम से समुदाय में सार्वजनिक पेयजल स्थानों की सफाई, गड्ढों का भराव, सार्वजनिक उद्यानों में बागवानी, कंपोस्ट खाद का प्रबंधन आदि किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे विद्यालय का काम होता है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी को चुन सकता है जिससे समुदाय में जो सार्वजनिक पेयजल होता है सभी के लिए, सफाई का जो काम होता है स्थानों की सफाई करना, गड्ढों का भराव करना, जो सार्वजनिक बागवानी होती है सभी का प्रबंध जो है विद्यालय कर सकता है क्योंकि उनके विद्यालय में बच्चे बहुत सारे होते हैं, उनके माध्यम से काम हो सकते हैं। शिल्पकारों से साक्षात्कार का आयोजन करवाया जाए जिससे उनकी शिल्प को तो पहचान मिले ही साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़े। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों व प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या का पता लगवाने के लिए सर्वेक्षण कराया जा सकता है। विद्यालय का एक काम ये हो सकता है कि वो समाज को बोले, समुदाय को बोले। ठीक है ना, कि आप अपने जितना भी आपका एरिया है आप अपने समुदाय या समाज में एक सर्वेक्षण करवाइए और पता करवाइए कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कितने ऐसे प्रौढ़ लोग हैं जो निरक्षर हैं। ठीक है ना, उसके बाद उनको बच्चों को स्कूल लाने का काम जो होता है समाज का होता है, और जो निरक्षर प्रौढ़ लोग होते हैं उनको साक्षर करने का काम जो होता है स्कूल का होता है। तो ये काम स्कूल कर सकता है। केवल सर्वेक्षण कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, अभी तो कुछ इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाए जिसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का आयोजन संचालन हो सके। विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों को विद्यालय जाने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। मैंने वही कहा कि समाज तो बता दिया कितने बच्चे हैं जो स्कूल से दूर हैं, इतने जो प्रौढ़ हैं निरक्षर हैं, लेकिन आगे का जो काम है वो विद्यालय का होता है कि वो इन लोगों को स्कूल बुलाए, जो निरक्षर प्रौढ़ हैं उनको साक्षर करे। ठीक है ना, बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित करे। पल्स पोलियो जैसे अभियानों को सफल बनाने में विद्यालय स्थान देने के साथ साथ अध्यापकों और विद्यार्थियों का सहयोग भी प्रदान करें। अब यहाँ पे पल्स पोलियो जो अभियान चलाया जाता है तो यहाँ पे समाज और विद्यालय दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। विद्यालय जो है स्थान सुनिश्चित कर सकता है कि हमारे विद्यालय में पल्स पोलियो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और जो समाज समुदाय है और ये जितने भी बच्चे हैं उनको पता लगा के और विद्यालय तक पहुँचाना जो है उनका काम हो सकता है। तो इस तरह से सबका सहयोग इसमें हो सकता है। सामाजिक उत्सवों के आयोजन में साज सज्जा संबंधी सहभागिता दर्ज हो सकती है। सामाजिक के कुछ उत्सव त्यौहार फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं उसमें विद्यालय भी जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है प्रतियोगी के रूप में, और बच्चों को ले जा सकता है वहाँ पे जो साज सज्जा का काम होता है, ठीक है ना, डेकोरेशन वगैरह का, उसमें वो पार्टिसिपेट करवा सकता है बच्चों के माध्यम से। श्रम सेवियों के महत्व, ऐसे विद्यार्थियों को इस तरह से परिचित करवाया जाए कि उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा हो, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग, तो बच्चों को इस तरह से बताया जाए कि कितने श्रम से कितने मेहनत से ये काम करते हैं, तो उनके मन में कोई हीन भावना जो है नहीं आनी चाहिए कि ये श्रमिक है उनके प्रति, बल्कि सम्मान की भावना हो। और स्थानीय दस्तकारी के काम की प्रदर्शनी का आयोजन करने में विद्यालय अग्रणी भूमिका का परिचय दे सकता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था अभी हमने लिया है आपका कि कार्य शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की भूमिका स्पष्ट करना था। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ही आपका क्वेश्चन है। अब चलिए हम जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कार्य शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समुदाय के सहयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है या प्राइमरी लेवल में भी पूछ सकता है कि प्राइमरी लेवल में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समुदाय के सहयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समुदाय का क्या सहयोग हो सकता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समुदाय का क्या सहयोग हो सकता है ये देख लेते हैं यहाँ पे अब। तो पाठ्यक्रम में बहुत से क्रियाकलाप एवं खेल आदि हैं जो बच्चों के माता पिता द्वारा कराए जा सकते हैं। जो भाषा है वो सामाजिक अध्ययन कला के अंतर्गत बहुत सी विषय वस्तु को सभी तो नहीं पर कुछ बच्चों के माता पिता अवश्य ही करवा पाने में सक्षम होंगे तथा करवाने में गौरव का अनुभव भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समुदाय का सहयोग से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, खेल होते हैं जो
स्कूल के माध्यम से कराए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो भी इस काम को करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भाषा में, सामाजिक अध्ययन में, कला के अंतर्गत बहुत से ऐसे विषय वस्तु कंटेंट होते हैं जो कुछ बच्चों के माता पिता जो है अपने घर में भी उसको करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल ही उस चीज़ को पूरा करवाए। तो यहाँ पर माता पिता का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए, यदि हम गेम की बात करते हैं, तो गेम के लिए यहाँ पे पढ़ा लिखा होना पढ़ाई की जरूरत नहीं है। गेम तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी करा सकता है, उस चीज को समझ सकता है, और अनपढ़ माता पिता भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग दे सकते हैं। गांव के बड़े बूढ़े बच्चों को ऐतिहासिक एवं गांव की छोटी से छोटी बात बताने में सक्षम है। ऐसे ही गांव के जो मिस्त्री, कुम्हार, बढ़ई तथा अन्य कारीगर बच्चों के छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य, सुंदर वस्तुएं बनाने का आनंद बच्चों को प्राप्त करा सकते हैं। अब गांव में, क्योंकि यहाँ पे समुदाय और समाज की बात चल रही है, गांव की बात चल रही है, तो गांव में सभी तरह के लोग रहते हैं। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि कुम्हार रहता है, मिस्त्री रहता है, बढ़ई रहते हैं, जो सभी तरह के कार्य करते हैं, कारीगर होते हैं, तो बच्चों को भी जो वो काम करते हैं वो बता सकते हैं, किस तरह से कुम्हार जो है किस तरह से घड़ा बनाता है, वो बच्चे उससे सीख सकते हैं। ठीक है ना, मिस्त्री जो है, बढ़ई किस तरह से टेबल चेयर बनाता है, तो बच्चे भी इनके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इससे वो इंजॉयनेस, आनंद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर बच्चों को बुक से पढ़ाने की बजाय वास्तविक जीवन से जोड़ दिया जाए और वहाँ पे ले जाके कराया जाए, तो वो उसको बहुत अच्छे से करते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाने, स्थानीय परिवेश में भली भांति जानकारी देने का कार्य बस्ती, गांव, शहर के बड़े बूढ़ों से अच्छा कौन सा स्रोत हो सकता है? तो यदि आपको इन्फॉर्मेशन, बच्चे चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वहां पे उस चीज़ की जानकारी जो वहां के बड़े लोग हैं वो दे सकते हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समुदाय का क्या सहयोग हो सकता है? तो इस समुदाय के सहयोग में कौन कौन लोग आ सकते हैं, आप इसको टॉपिक में भी लिख सकते हैं, अगर आप इस ट्रेनिंग लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं माता पिता लिख सकते हैं। ठीक है, माता पिता लिखने बाद इसमें एक टॉपिक आप मिस्त्री बना सकते हैं, कुहार बना सकते हैं, बढ़ई बना सकते हैं, कारीगर हैं जो उनको बना सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे वहाँ के जो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके बारे में, तो 4-5 टॉपिक इसमें आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। अब यदि आप टॉपिक नहीं बना सकते हैं तो आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करके चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आप बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहते हैं, अकेले ले जाने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे में क्या आप भ्रमण को स्थगित कर देंगे या फिर किसी अभिभावक का सहयोग लेना पसंद करेंगे? अब ये टीचर के लिए है कि आप बच्चे को बाहर ले जाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, और आपको पता है कि बच्चे बहुत सारे हैं और आप नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? जो आपका टूर का प्लान है वो कैंसिल कर देंगे, या फिर आप जो बच्चों के अभिभावक पेरेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे आप हेल्प लेना पसंद करेंगे? स्थानीय परिवेश में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी आपको पहचान नहीं है, शायद अन्य शिक्षकों को भी नहीं हो, तो आप कक्षा में बच्चों से जानकारी लेने में हिचकिचाएं नहीं, किसके माता पिता हमें वनस्पति जगत से अवगत करा सकते हैं? तो मतलब ये यहाँ पे सहयोग, हम कह रहे हैं ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग की क्या भूमिका है। तो पहला हमने देखा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भ्रमण को हमने ले लिया, पिकनिक को ले लिया, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेरेंट्स से सहयोग ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि आपको पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लांट्स के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि किनके पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि पेड़ पौधे किस तरह के क्या होते हैं ना, और अगर उनको पता है तो वो हमें बताएं। तो ये काम आप कर सकते हैं, यानी माता पिता का बताना ही एक तरह से समुदाय समाज का सहयोग हो रहा है, किसके प्रति? विद्यालय के प्रति, सीखने सिखाने के प्रति। और किसी प्रकार से आप यह जान गए कि अमुक बच्चे के माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार सरल यौगिक क्रियाओं में निपुण है, तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर हैं तो आप अपने आप को निपुण कौशल समझें, कि आप टीचर हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप टीचर हैं तो आप सब कुछ कर लें, आपको सब कुछ पता ही है। जो चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप क्लास में बच्चों से भी पूछ सकते हैं, बच्चों से भी आप पता लगवा सकते हैं किस चीज़ का नॉलेज हमें नहीं है, मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्या किसी के घर में किसी को इस चीज़ का नॉलेज है? यदि है तो क्या वो हमारा सहयोग ले कर सकते हैं? तो ये एक टीचर का काम होता है, किसके प्रति? समुदाय समाज के प्रति, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, क्योंकि बच्चों को सिखाना है किसी भी तरह से सिखाया जाए। मेरे त्यौहार आदि के आयोजन में तो अभिभावकों की भूमिका की कोई सीमा ही नहीं है, सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आप उनकी भूमिका सहयोग क्षेत्र में सीमाएं तय कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे था सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या एक सहयोग हो सकता है। ठीक है ना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक क्या सहयोग हो सकता है,
समुदाय का सहयोग, समुदाय के सहयोग के बारे में हमने देखा। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन आपके, इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए जो आपकी यूनिट 15 से थे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा यूनिट 16 का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट्स करिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।